नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं बीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बना के दिखाया था, इसके अंदर ये वाला कार्ड लगा हुआ था जो कि 3.7 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो वो वाले कार्ड लगा हुआ था इसके अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट से जो चलता है उस वाले कार्ड से चला के आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये बोर्ड होता है, ऑडियो बोर्ड। तो इसी वाले ऑडियो बोर्ड को मैं आपको इसके साथ, इस वाले स्पीकरों के साथ चला के दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर से जो आउटपुट निकलती है थोड़ी सी कम है, 5 वाट की एक ओनली, और जो इसके ज़रूरत है मेरे ख्याल से 15 वाट के आसपास का स्पीकर होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, तो 15 से 20 वाट तक आराम से चल जाएगा। और उसी हिसाब से मैं ये वाला लगा के देखता हूँ कि इससे किस तरीके की आउटपुट निकल रही है। चलिए हम इस वाले को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद एक बार चला के देखते हैं। इसको ऑडियो देने के लिए मैं कोई सा भी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मॉड्यूल कार्ड है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तो फिर 12 वोल्ट का कोई सा मेरे को, वो सॉरी 12 वोल्ट के नहीं आते, 5 वोल्ट का ही कोई ना कोई सा मेरे को ऑडियो के लिए लगाना पड़ेगा। साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को, और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोज़ पर जाके आप हमारी पुरानी जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारी। तो गाइस, अभी ये जो ग्लू है काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गई है, छूट नहीं रही है। मुझे इसे छुटाने के लिए इसको थोड़ा सा हीट करना होगा। मेरे पास अभी हॉट एयर गन नहीं है, तो इसलिए मुझे SMD की मदद से इसको हीट करना होगा, उसके बाद ही ये छूट पाएगी। तो चलिए मैं इसे छुटा लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस, एक बार मैं इसको चला के देख लेता हूँ। फोक्स की मदद से अभी मैं फिलहाल चलाऊँगा। और यहाँ पर जो कि मैंने 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट का SMPS कनेक्ट कर रखा था, SMPS चालू करता हूँ, उसके बाद गाना शुरू हो जाएगा। मैं पहले इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका साउंड है। स्पीकर की बात करूँ तो बहुत जरा जरा से गर्म हुए हैं, और यहाँ पे इसके IC की बात करूँ तो ये भी बहुत हल्की फुल्की गर्म हुई है। हालांकि मैं इसको फुल वॉल्यूम पे नहीं करा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब मैं इसके अंदर ये वाला जो कार्ड है पगारिया का, ये वाला लगाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने चला के देखा, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी साउंडिंग भी करी थी। इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर बैटरी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो कि है 5 वोल्ट से है और इसके अंदर चार्जिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए बैटरी लगाने का इसके अंदर कोई मतलब बनता नहीं है। वरना अगर लगाना होता तो मैं यहाँ लगा देता या पीछे साइड कहीं लगा देता। और उसके बाद मैं इसके अंदर बात करूँ तो जो कि मैं पहले लगाने वाला था वो ये वाला कार्ड था। इसके अंदर है क्या दिक्कत कि एक तो ये 12 वोल्ट से चलेगा, तो मुझे 12 वोल्ट के लिए अडोप्टर लगाना पड़ेगा इसके अंदर, या कोई दूसरी चीज़ लगानी पड़ेगी 12 वोल्ट की बैटरी बना करके BMS के साथ, तब मैं इसको ऑपरेट कर पाऊँगा। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से बजेगा, बट इसके अंदर ऑडियो बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसके साथ साथ मुझे इसके अंदर अलग से एक ब्लूटूथ का कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जिस इस तरीके का कोई मॉड्यूल कार्ड। तो जितनी आउटपुट इसके अंदर आ रही थी उतनी ही सेम इसके अंदर आ रही है, हालांकि इसके अंदर आउटपुट ज़्यादा है, बट उसको ये स्पीकर के लिए
ठीक नहीं है, स्पीकर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है ये। तो जितने ये निकाल पा रहा था मैं आपको लास्ट में सुना के दिखाऊंगा कितनी इसकी भी आउटपुट आ रही है। वैसे रेडिएटर भी एकदम ठीक काम कर रहा है इस वाले मॉड्यूल के, क्योंकि ये पगारिया का एक अच्छा कार्ड आता है ये पगारिया के नाम पर, तो इसलिए इसके अंदर आवाज़ काफ़ी अच्छी है। ये आप इसके दोनों आई से देख पाओगे। इससे पहले जो मैंने इसके अंदर लगा रखा था कार्ड, वो ये वाला कार्ड था जो मैंने इसके अंदर लगा रखा था। इससे बहुत ही बेस की कमी पड़ जा रही थी इसके अंदर, इसके आउटपुट में बेस की कमी थी, बेस इतना अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा था जितना मुझे इसके अंदर लगा बेस। और मेरे पास एक और कार्ड है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं लगाने को ये भी लगा सकता हूँ बट ये हाउसिंग के साथ में और इसके अंदर लगाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके ड्यूल वगैरह भी मेरे को सब सिस्टम करना पड़ेगा, हालांकि इसके अंदर भी आउटपुट अच्छी आएगी। मैं एक बार इसको भी चला के देख लूँगा, आपको फिर बताऊँगा कि इसके अंदर आउटपुट कैसी थी, इसके जैसी थी ये इससे थोड़ी सी अलग थी। इसके अंदर मुझे सारा सिस्टम मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम आप देख सकते हो, माइक का भी, और दो अलग से बैटरी लगाने का, और यहाँ पे जो कि आप देख पाओगे तो यहाँ पे है कि इसको मुझे देखना पड़ेगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। बाकी आप देख सकते हो कि ये वाला जो कार्ड है, इससे भी मैं एक बार इसे चला के देख लेता हूँ कि किस तरीके से इसकी आउटपुट आ रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने इस वाले बोर्ड को, ऑडियो बोर्ड, ब्लूटूथ बोर्ड को भी चला के देखा, इस वाले कार्ड को, ये वाला कार्ड भी इतना अच्छा नहीं बज रहा है जितना ये पगारिया का मेरा बज रहा था कार्ड। मैं आपको एक बार सुना के भी दिखाऊंगा लास्ट में, ये उतना ही बज रहा था जितना मेरा ये वाला बज रहा था, ये उतना ही बज रहा था, और इससे भी मेरे ख्याल से थोड़ा 19 ही रहा होगा, थोड़ा कम ही साउंड आ रहा था इसके अंदर। और जो कि ये वाला कार्ड है पगारिया का, ये वाला, इसका तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है। इसके अंदर बैटरी वैटरी का कोई सिस्टम नहीं है, पूरा प्रॉपर 5 वोल्ट इस आईसी को मिल रही है और ये आईसी काम कर रही है। और इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर देख सकते हो आप एक ही आईसी है, और मुझे एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत लगी कि इसमें आप देख पाओगे यहाँ पे कि लेफ़्ट ही लिखा हुआ है, लेफ़्ट ये भी है और ये वाला पोर्ट भी लेफ़्ट के लिए ही है, लेफ़्ट माइनस प्लस, और यहाँ पे उसके आगे जाओगे तो LED और ये वाला सॉकेट भी LED। यहाँ से देखने में ऐसा लगता है कि एक लेफ़्ट के लिए होगा सॉकेट, एक राइट के लिए होगा, ये दोनों बैटरी के होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ही है और एक ही आईसी से ही दोनों स्पीकर इसमें चलाने पड़ते हैं। बाकी आप इस पूरे सर्किट में देख पाओगे तो ऐसी कोई सी भी आईसी नहीं है जो सपोर्ट करे दूसरे स्पीकर के लिए, इस साइड भी कोई ऐसी आईसी नहीं लगी हुई है। तो इसके अंदर आउटपुट इतना अच्छा नहीं है बट फंक्शन इसके अंदर काफ़ी सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये जो पहला सर्किट है यहाँ पर एंटीना वगैरह है माइक के लिए, तो चलिए इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला ही कार्ड इसके अंदर लगाऊंगा। और मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक तार इसकी मेरे से गलती से टूट गई है, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है इतना हिस्सा मेरे को थोड़ा ये गर्म करके या कैसे भी इसमें से मुझे तार निकालनी पड़ेगी। इसके लिए मैं 3 वायर से ही अंदर कनेक्ट, तो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया ब्लूटूथ का, और उसके बाद काफ़ी अच्छी आवाज़ साउंड आ रहा है। इसका पैसिव रेडिएटर भी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो प्रीवियस में बेस की कमी रह गई थी वो इसके अंदर फुलफिल हो रही है। तो चलिए अब हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। आप जब कभी भी इसको दबाओगे तो इसके पर्दे भी हिलेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, तो यानी कि इसमें कुछ भी हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकल ली। मेरे को हल्का फुल्का यहाँ पर फील होता है कि यहाँ से हल्की फुल्की बाहर निकल ली हवा, बट उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जरूरत रहेगी तो मैं यहाँ पर ऐसे करके टेप लगा दूंगा एक। तो चलिए एक बार हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर एक बार चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये कनेक्टेड हो गया, तो चलिए मैं इसमें सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं जब चलता है तो बहुत तेज वाइब्रेशन की वजह से इधर उधर होता है ये,
तो इसके अंदर मैं लगाऊंगा इस तरीके कुछ रबड़ पैड पैर आते हैं इसके, तो ये पैर लगाऊंगा मैं इसके अंदर, जिससे कि इधर उधर वाइब्रेट नहीं होगा, एक जगह स्टेबल रहेगा। मुझे ये जो है ये चार जगह लगाने पड़ेंगे, दो यहाँ लगा दूंगा, दो मैं नीचे की तरफ लगा दूंगा, इस होल को छोड़ के थोड़ा सा, कि जैसे कि एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। एक यहाँ पे, ठीक है, इन सब जगह मैंने लगा दिया। अब देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा इसके ऊपर वो हिलेगा नहीं है, और वाइब्रेशन आई थिंक कम होगी। चलिए अब चला के देखते हैं बाहर। चलिए दोस्तों, जैसे कि अगर मैं अडेप्टर की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, और ये कुल मेरे ख्याल से 1 एम्पियर का अडेप्टर होगा ये, तो आप देख सकते हो 1 एम्पियर का अडेप्टर है ये। 1 एम्पियर के अडेप्टर से ही ये दोनों चल रहे थे, और बहुत ही क्लियर और अच्छा साउंड आ रहा था इसका। 5 वोल्ट 1 एम्पियर है, यानी कि 5 वाट का अडेप्टर हुआ ये। मेरे ख्याल से 2 एम्पियर रहेगा तो शायद से आवाज़ जो फुल करने पर थोड़ी थोड़ी फट रही थी वो नहीं होएगा, तो मैं एक बार 2 एम्पियर से चला के देखता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ये 5.2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आई थिंक प्रॉपर 5 वोल्ट था। ठीक है, अब मैंने 2 एम्पियर का कनेक्ट कर लिया, अब चला के देखते हैं एक बार। चलिए गाइस, मैं इसके साथ एक बार चेक कर लेता हूँ। तो गाइस 2 एम्पियर के साथ भी चेक करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुत 19-20 का फर्क आ रहा था, इसलिए मैंने वही वाला अडेप्टर लगा दिया जो मेरा पहले लगा हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो की वाला अडेप्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है। चलिए हम एक बार इसको चला के देखते हैं। Thinking for me was the wasted all I am. तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर साउंड आ रहा है, तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।